हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा ए स्प्रिंग इज कैप्ट कंप्रेस्ड बाय ए स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड इट इज फाउंड टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 2 m/s। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पजेजेस व्हेन कंप्रेस्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारी एक स्प्रिंग है, उससे हमारी ये ट्रॉली कंप्रेस्ड कर रखी है। यानी कि ये होता है ना, स्प्रिंग नॉर्मली ऐसा रहा होगा, ये कंप्रेस्ड मतलब ऐसे दबा रखी है। ठीक, तो कंप्रेस्ड मतलब जब मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐसे पास पास लाऊंगा, ऐसे नज़दीक लाऊंगा, ये कंप्रेस्ड कर रखी है। और खींचना क्या हुआ, इलोंगेट, इलोंगेशन बोलते उसे शायद हिंदी में, इंग्लिश में मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ उस वर्ड को। जब खींच जाती है तो इस ये कंप्रेस कर रखी है, ऐसे दबा रखी है इसने, इस ट्रॉली ने अंदर के लिए। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि हमें ये ट्रॉली ने ऐसे दबा रखा है, इस ट्रॉली का मास मुझे पता है। ठीक, और क्या पता है जी। अच्छा, ये तो है हमें बता रखा, जितना डायग्राम में दे रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोले तो ये ऐसे में रहते, वर्टिकल ऐसे में। ठीक, कंप्रेस्ड है स्प्रिंग यानी कि ऐसे दब रखी है इसके कारण। अब क्या पूछ रहा है, व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड, जब ट्रॉली को मतलब हमने अभी फोर्स लगा रखा होगा कुछ यहाँ पे, तभी तो ये ऐसे यहाँ पे दबा के रखा है इसने। अब मैं छोड़ दूंगा इसको तो क्या करेगी, तो ये इधर के लिए मूव करेगी, है ना, कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग इधर के लिए खुलेगी, तो ये आगे के लिए ऐसे मूव करेगी। तो किस स्पीड से करेगी, 2 m/s से। ठीक, तो व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पजेजेस व्हेन कंप्रेस्ड। तो ये कह रहा है कि जब ये 2 m/s से इधर मूव कर रही, तो अब हमें बताना है कि जब ये ऐसे कंप्रेस्ड कर रखी थी इस स्प्रिंग को, तो उस टाइम उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जो ये स्प्रिंग है। ठीक, इस स्प्रिंग की कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अपने अंदर ग्रहण कर रखी। ठीक, ये बताना है जी हमें, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं जी, जो जो होगा हमारे पास उपलब्ध वो देखेंगे। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ऊपर वाली चीज़। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, जो जो मुझे पता है, मास ऑफ जो हमारा ट्रॉली है वो है 0.5 kg। ठीक, दूसरा मुझे क्या पता है, अच्छा स्पीड, इसकी जो स्पीड हुई थी वो कितना हुआ था, 2 m/s। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ना तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बोलते हो ना कि चलो, आपको ये तो पता ही है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इनकी भी एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। कोयला है हमारा, पेट्रोल है, मतलब बायोफ्यूल है, जो भी हैं जीवाश्म ईंधन, ये भी ख़त्म हो ही जाएंगे। लेकिन जैसे हम कहते हैं सन, या हम कहते हैं वाटर, विंड, हम कहते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक, जबकि ये भी क्या है, गलत है, वो ऐसा है ही नहीं कि वो कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी। सन की भी एक एज होती है ना, सन भी हमारा क्या है, उसकी भी कोई एज होगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब अरबों वर्ष होती है उनकी एज जो होती है। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है सन की एज ख़त्म होने में। ठीक, तो तब तक के लिए बहुत एनर्जी है। तो वैसे देखा जाए तो पूरा खेल एनर्जी का ही होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक, आप यहाँ वीडियो देखने आए हो तो आप भी अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। ठीक, हम वीडियो बना रहे हैं, हम भी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो एनर्जी का ही खेल है वैसा देखा जाए तो सब कुछ। जिस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाओगे, आपको उस टाइप का आउटपुट मिलेगा, ये तो निश्चित है कि नहीं। अब देखो भाई, अब पूछ रहा है कि हमें निकालना था इसका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब देखो ना, ये दब रखी थी, तो इसके बाद जब जितने से भी ये मूव हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जितना भी इसका पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, इसको वही तो दे रहा है, इसको जो भी दे रहा है हमारी एनर्जी इसको आगे जाने के लिए, है ना। तो वो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इस ट्रॉली के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी पता चल जाती है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जितनी इसको ये काइनेटिक एनर्जी मिली है, इसी के कारण तो मिली है, यानी कि इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी में निकाल सकता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, मास मुझे पता है, वेलोसिटी पता है, तो वैल्यू रखो हाफ इंटू मास हो गया 0.5 इंटू सब कुछ ऐसा ही में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है चेंज करने की। और दो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे किया इसको आगे सॉल्व फर्दर, 1/2 × 0.5 गुणा गया 2 × 2 = 4। ठीक, अब यहाँ पे सीधे सीधे आप देख ही सकते हो वैसे इसको सॉल्व करके कितना आएगा। देखो 5 × 20 हो जाएगा, तो 2 बच रहा है, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 जूल। ठीक, तो 1 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आई। तो हमने अभी देखा था कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वही जो है वही हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो चेंज हो गई, इस काइनेटिक एनर्जी इसको मिली है उस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्प्रिंग थी उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, 1 जूल थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।